लोगों की क्वेरी ये रहती है कि क्या 25,000 के बजट में एक ऐसा लैपटॉप मिल पाएगा जो हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन अभी ऐसे कई लैपटॉप लॉन्च हुए हैं जो कि 25,000 के बजट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यदि आप वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग, तो मैं बोलूँगा कि नहीं खेल सकते उसमें, लेकिन मतलब कि नॉर्मल सी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल में बोलूँ कि मोवावी और फिल्मोरा में आप इजीली जो है वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े एडिटर जैसे कि फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट और ब्लेंडर वगैरह, ये चीज़ों पे तो नहीं काम कर सकते। हाँ, हालांकि ये जो है इस पे इजीली आपका जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि यदि उस पे स्मूथ आपको काम करके दे देगा और मतलब कि अच्छे से चल जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत लैग देखने को तो मिलेगा, लेकिन चल जाएगा वो। और यदि मैं नॉर्मल एडिटिंग की बात करूँ तो मोवावी और फिल्मोरा पे आप यूट्यूब के लिए वीडियो तो आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, उसकी एडिटिंग कर सकते हो। इजी इजी टू यूज़ है वो। ये वाला वीडियो पूरा देख के जाना, क्योंकि इसमें मैंने एक न्यू लैपटॉप लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताया हूँ, जो 25,000 के बजट के आसपास में आता है। जो तीनों लैपटॉप है वो एक से बढ़कर एक है, आप कोई सा भी लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीनों के तीनों ही काफ़ी अच्छे लैपटॉप है। और जो लास्ट वाला लैपटॉप है वो मेरे हिसाब से तो आपको 25,000 के बजट में ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो नया आया है और उसके जो प्रोसेसर वगैरह है वो भी बहुत दमदार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट का जो थर्ड नंबर का लैपटॉप है वो है लेनोवो का V15G4। इसकी करंट प्राइस अभी 25,000 रुपीज है। AMD का एथलॉन 7120U 7000 सीरीज के साथ में आता है। इसमें दो कोर और दो थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। रैम की बात करें तो DDR5 रैम मिल रही है आपको इसमें, जो कि 8 GB है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD मिल रही है। और डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले इसमें आपको मिलती है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो AMD का रेडियन 610M मिल रहा है। साथ साथ में विंडो 11 लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल रही है आपको इसमें। 1 ईयर की वारंटी है। नेसेसरी पोर्ट की बात करें तो 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI 2.1, 3.5 mm का जैक मिल जाता है और 1 ईथरनेट कनेक्शन मिल जाता है आपको इसमें। हमारे सेकंड लैपटॉप की बात करें तो लेनोवो का ये भी लैपटॉप है। सेकंड लैपटॉप जो हमारा है वो है लेनोवो का V15। इसकी करेंट प्राइस की बात करें तो 27,990 रुपए का भी आपको पड़ रहा है। इसमें प्रोसेसर की बात करें तो AMD राइजन 3 मिल रहा है, जो की 7320U के साथ में आता है, जो 7000 सीरीज में है। इसमें 4 कोर और 8 थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। रैम की बात करें तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी DDR5 में आपको मिल रही है, जो कि 8 GB है। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD मिल रही है आपको इसमें, जो कि जेन 4 पे सपोर्ट करती है और ये एक्सपेंडेबल है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। रैम और स्टोरेज दोनों ही लेटेस्ट बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, जो कि 60,000 रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। 250 Hz पीक ब्राइटनेस के साथ में आता है। 45% NTS मिलता है आपको इसमें। इसमें ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटीग्रेटेड GeForce का ग्राफिक कार्ड आपको इसमें मिलता है और MS ऑफिस आपको ट्रायल वर्जन पे देखने को मिलता है। नेसेसरी पोर्ट की बात करें तो इसमें 1 USB 3.2 Gen 1 मिलता है, 2 USB Type-3.2 Gen 1 मिलता है, HDMI 1.4 मिलता है, एक इथरनेट कनेक्शन मिल जाता है, 3.1 mm की कॉम्बो ऑडियो जैक मिल जाती है इसमें। हमारा फर्स्ट लैपटॉप जो है वो दोनों ही लैपटॉप से बेहतर है, लेकिन सिर्फ एक इसमें जो कॉन्स देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये जो है 4,000 रुपये एक्स्ट्रा में आपको मिल रहा है। पर यदि आप 25,000 के बजट में एक सही लैपटॉप ढूंढ रहे हैं तो 2-3 हज़ार रुपये की परवाह ना करते हुए एसर का एस्पायर लिटिल लैपटॉप जो है वो बेस्ट चॉइस है इस टाइम पर। AMD का राइजन 3 मिलता है आपको इसमें, जो कि 5300U के साथ में आता है, जो 5000 सीरीज में मिलता है आपको। 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल रहे हैं आपको इसमें। इसकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें मेटल बॉडी आपको मिल रही है, जो कि एक लैपटॉप के लिए बहुत अच्छी बात है। इस लैपटॉप में रैम और स्टोरेज दोनों को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में आप कभी भी इसमें रैम और स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो रैम आपको मिल रही है 8 GB की DDR4 रैम मिल रही है, जो कि अप टू 32 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 512 GB SSD Gen 3 में आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलती है आपको इसमें। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो AMD का रेडियन GFX मिलता है। नेसेसरी पोर्ट की बात करें तो 1 USB 3.2 Gen 1 मिलता है Type-A, 2 USB 2.0 Type-A मिलता है, 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C मिलता है इसमें। दोस्तों ये लैपटॉप अभी लेटेस्ट लैपटॉप है, मार्केट में नया आया है, इसलिए इसमें सारी चीज लेटेस्ट मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट नंबर का लैपटॉप है आपको इसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अच्छा लैपटॉप है इस लिस्ट में। सिर्फ इसका एक ही कॉन्स है कि ये जो है प्राइस में 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है, बट 4,000 रुपये को ना देखते हुए एक बेस्ट लैपटॉप को सिलेक्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।